हाय एवरीवन, अ बेंड इन द रिवर बाय वीएस नायपॉल, ये जो जोसेफ कॉनराड ने हार्ट ऑफ डार्कनेस लिखी थी, लाइक उसी से ही मिलता जुलता है। हार्ट ऑफ डार्कनेस में भी उन्होंने बिग रिवर का नेम नहीं लिया था, एंड इसमें भी नायपॉल ने ना रिवर का नेम लिया है, ना टाउन का नेम लिया है, ना कोई कंट्री का, ना कोई प्रेजिडेंट का। थोड़े से पॉसिबल आइडेंटिफायर्स हैं, बट हार्ट ऑफ डार्कनेस में जैसे कॉनराड ने रिवर का नाम नहीं लिया था, बस एक हार्ट ऑफ द अफ्रीका बताया था, वैसे ही सेम वीएस नायपॉल ने भी कोई कुछ नाम नहीं लेकर अबेंड इन द रिवर बोला हुआ है। काफी अच्छी नॉवल है, पोस्ट कोलोनियल टाइम की नॉवल है। लेट्स प्रोसीड विद द वीडियो नाउ। ये हमारी ओपनिंग लाइंस हैं नॉवल की। द वर्ल्ड इज व्हाट इट इज, मैन हु अलाउ देमसेल्व्स टू बिकम नथिंग हैव नो प्लेस इन इट। मींस जो इंसान चाहता है अगर कुछ, तो उसको मिलता ही है। अगर इंसान खुद ही अपनी होप छोड़ देगा, तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। वर्ड भी उसी का ही है, जो इंसान हिम्मत रखता है। कैरेक्टर्स, सलीम प्रोटैगनिस्ट, नरेटर भी होता है, आयुष्मान फादर होता है यहाँ का, प्रीस्ट होता है ये, जाबेत फर्डिनेंड इसका बेटा होता है, नजरुद्दीन, मेटी, रेमंड एंड इवी, रेमंड एंड इवी दे बोथ आर हस्बैंड एंड वाइफ। इस बुक को 1979 में लिखा गया था, एंड ये बुक शॉर्टलिस्ट हुई थी बुकर प्राइज के लिए भी 1979 में। एंड इसके फोर पार्ट्स हैं बुक के, जो कि डिवाइडेड हैं फर्स्ट द सेकंड रिबेलियन, द न्यू डोमेन, द बिग मैन एंड द बैटल। हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है, एक अननेम्ड अफ्रीकन कंट्री होती है आफ्टर इंडिपेंडेंस, यू कैन से दैट आफ्टर कॉलोनियल पीरियड। ये पोस्ट कॉलोनियल टाइम का प्ले है, ड्रामा है, जो कि सलीम नरेट कर रहा है। ये एक इंडियन मुस्लिम है एंड एक शॉपकीपर है, जो कि अफ्रीका में रह रहा होता है, एंड ये देख रहा होता है कि कैसे कैसे चेंजेस हो रहे हैं अफ्रीका के अंदर। एंड ये इंडियन ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है, एंड काफ़ी इनसिक्योर फील कर रहा होता है अपना फ्यूचर, जो कि ईस्ट अफ्रीका में देख रहा होता है। बट बाद में ये ईस्ट अफ्रीका में एक बिजनेस चलाता है, नजरुद्दीन से लेता है बिजनेस उनका, एक बाय करता है नजरुद्दीन से एक टाउन में, अ बेंड इन द रिवर जिसको कहा गया है, इन द हार्ट ऑफ अफ्रीका, ठीक है, वहाँ पे ये लेता है बिजनेस, एंड वहाँ पे स्टार्ट करता है बिजनेस अपना। एंड वो बिजनेस करता है लाइक उनका ही, लाइक जो भी एक छोटे मोटे काम होते हैं, पेंसिल्स, पेपर, पोट्स और पैंस, जो उनसे भी हाउस और यूटेंसिल्स होते हैं, इसका वो बिजनेस स्टार्ट करता है। एंड देखता है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो पीपल हैं काफ़ी सप्रेस्ड हुए पड़े हैं, लाइक जो भी कॉलोनियल टाइम पे उनके साथ हुआ था, वो लोग काफ़ी ज़्यादा यूरोपियन के साथ उन्होंने काफ़ी गलत बिहेव करा है, एंड वहाँ से उनको भगा दिया है। तो वो फिर बिजनेस करता है, एंड वहाँ पे मेटी होती है, मेटी इसकी ही स्लेव होती है इनकी, लाइक जो घर पे काम करती है, इनके फैमिली हाउस स्लेव होती है, एंड इनके साथ काम कर रही होती है इसके वहीं पर काम पे। एंड एक इनका कस्टमर होता है सलीम का, जाबेत नाम का कस्टमर होता है, जो कि मर्चेंट ही होता है एंड एक म्यूजिशियन भी होता है ये, तो जाबेत का सन होता है फर्डिनांड होता है। तो ये सलीम को कहता है कि इसको एजुकेट करो, इसको पढ़ाओ। तो फर्डिनांड जो होता है वो एक फादर होते हैं, फादर होयशमान, फादर होयशमान से ये बेल्जियन प्रीस्ट होते हैं फादर, जो कि अफ्रीकन मास्क कलेक्ट करते हैं, ये अफ्रीकन मास्क कलेक्ट करते हैं एंड अपने आप को लवर कहते हैं ये अफ्रीका का। सो लाइफ जो होती है स्लोली स्लोली इम्प्रूव होती है यहाँ पे, ठीक है। जो सलीम होता है वो भी ठीक हो रहा होता है एंड फील करता है चलो ठीक है, सब कुछ ठीक हो रहा है यहाँ पे। एंड इसका एक फ्रेंड होता है महेश, वो भी कहता है कि ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है यहाँ पे अफ्रीका में। सो यहाँ पे सब चल ही रहा होता है। देन जब सब कुछ सही हो जाता है यहाँ पे, सब कुछ पीस शांति हो जाती है आराम आराम से, तो जो फादर होइशमैन होते हैं वो एक ट्रिप पर जाते हैं, एंड जब वो ट्रिप पर जाते हैं उनको किल कर देते हैं, अटैकर्स जो होते हैं उन पे हमला करते हैं एंड उनको मार देते हैं, एंड किसी को परवाही नहीं होती है, कोई आगे कार्रवाई नहीं होती, कुछ नहीं होता, एंड इनकी हत्या हो जाती है। एंड उसके बाद जो इनके पास अफ्रीकन मास्क होते हैं ना, वो चुरा लिए जाते हैं, उनको चुरा लेते हैं वो, क्या कहते हैं, अमेरिकन विजिटर्स जो होते हैं वहाँ पे आए होते हैं, वो उसको चुरा लेते हैं, इसको काफ़ी बेकार बोलते हैं जो वहाँ के बंदे होते हैं, बट जो अमेरिकन विजिटर होते हैं वो इसे चुरा लेते हैं शिप में से ही जब अटैक करते हैं, एंड काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स बनाते हैं इसके साथ। फिर वो
नाउ जहाँ पे सलीम रहता है वो टाउन थोड़ा डेवलप करने लग गया होता है, गवर्नमेंट एजेंसी भी बढ़ गई होती है, यहाँ पे यूरोपियन सेल्समैन आ जाते हैं, विजिटर्स भी काफ़ी आते हैं यहाँ पे, एंड सलीम के जो फ्रेंड होते हैं महेश और शोभा जो होते हैं वो भी सक्सेसफुल हो जाते हैं विद देयर न्यू बिग बर्गर फ्रेंचाइजी। तो वहाँ पे एक आर्मीज भी आती हैं, दो पोचर्स ऑफ आइवरी एंड थीव्स ऑफ गोल्ड करके, एंड यहाँ पे एक जो प्रेजिडेंट के पोर्ट्रेट्स हैं ना वो भी हर जगह एज अ बिग मैन करके लगने लग जाते हैं। प्रेसिडेंट को यहाँ पे दिखाया नहीं गया है बट उसको बिग मैन करके ही बुलाया गया है हर जगह। तो उसका नाम नहीं बोला गया ना उसे दिखाया गया है बट बिग मैन करके ही बोला गया पूरे नॉवल के अंदर। एंड यहाँ पे एक स्टेट डोमेन भी बनता है, एक सेक्शन लाइक न्यू किंगडम बन जाता है यहाँ पे एक, कि प्रेसिडेंट के विजडम जो प्रेसिडेंट देखता है न्यू अफ्रीका कह लो तुम जो बनता है यहाँ पे। सो जो बिल्डिंग्स होती हैं थोड़ी शडी होती हैं, फैक्ट्रीज जो ट्रैक्टर्स होते हैं एग्रीकल्चर में अभी वो इतना चल नहीं रहे होते हैं, थोड़ा सा डोमेन हर एक हल्की हल्की जगह पे जो डोमेन है इनका किंगडम है थोड़ा सा डिसअपेयर कर रहा होता है, नीचे जा रहा होता है, बट कई चीज़ों में अच्छा भी उठ गया होता है। एंड सलीम को ये सब मजाक लग रहा होता है कि सब कुछ ठीक हो रहा है या कैसे है, बट जो डोमेन है ये किंगडम छोटा सा है बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाता है यूनिवर्सिटी और कॉन्फ्रेंस सेंटर्स में भी कन्वर्ट हो जाता है, तो बहुत जल्दी तरक्की कर लेता है ये छोटा सा डोमेन। तो एक दिन सलीम जो होता है वो इंदर के पास जाता है, तो जो कि इंदर जो था वो उसी के साथ ईस्ट कोस्ट में रहता था, एंड पर कुछ टाइम बाद वो इंग्लैंड चला गया स्टडी करने के लिए, एंड वहीं पर अब वो लेक्चरर है एक इंस्टीट्यूट के अंदर। एंड जो इंदर है वो सलीम को एक पार्टी में लेकर जाता है जो उसी डोमेन में होती है, तो वहाँ पर ये मिलते हैं रेमंड और इवेट से। सो ये दोनों मिलते हैं इविट से, एंड रेमंड जो होता है वो एडवाइज़र होता है प्रेसिडेंट का एंड इंचार्ज भी होता है डोमेन का, एंड काफ़ी लॉयल होता है प्रेसिडेंट से एंड उसके लिए लिखता भी है काफ़ी ज़्यादा। जो सलीम होता है उसका थोड़ा वुमेंस के साथ एक्सपीरियंस कुछ ऐसा ही था लाइक प्रोस्टिट्यूट के हिसाब का था, एंड ये इविट के साथ वो हो जाता है रिलेशनशिप में आ जाता है। सलीम से बहुत ज़्यादा यंग होती है ये वीत जो होती है, बट इसी के सामने ही रेमन के सामने ही ये दोनों अफेयर करते हैं, बट इतना सा चल नहीं पड़ता चलता नहीं है, एंड सलीम उसको हिट कर देता है एंड वहाँ से चला जाता है। मतलब पहले अफेयर होता है बट सलीम इवीट को हिट कर देता है, मारता है एंड वहाँ से लाइक चला जाता है। अब लास्ट में काफ़ी करप्शन स्टार्ट हो जाती है, सब लोगों को ना अपने रूल्स नहीं चाहिए होते, उनको चाहिए होता है जैसे हमारे एंसेस्टर्स के रूल्स थे ना ट्रुथफुल लॉज थे वही हमें वापस कर दो, हमें वो प्रेसिडेंट के हर एक चीज़ों को वो रिजेक्ट कर देते थे क्योंकि करप्शंस हो गई थी काफ़ी स्टार्ट। एंड जो सलीम होता है वो चला जाता है लंदन जहाँ पे उसे मिलता है नजरुद्दीन, नजरुद्दीन जो उसने उसको अपना बिजनेस बेचा होता है सलीम को, एंड नजरुद्दीन भी उगांडा चले जाते हैं उसको बिजनेस बेच के, बट उगांडा को भी छोड़ देते हैं बिकॉज वहाँ पर काफ़ी रेस के ऊपर कलर्स के ऊपर बोला जाता है उन्हें, एंड देन वहां से फिर वो कैनेडा चले जाते हैं, कैनेडा भी छोड़ देते हैं, कैनेडा के बाद वो लंदन चले जाते हैं जहाँ पे वो लैंडलॉर्ड बन जाते हैं काफ़ी अच्छे वो एक, ठीक है। एंड देन बाद में क्या होता है सलीम को नजरुद्दीन की जो डॉटर होती है उसी के साथ एंगेज कर दिया जाता है, बट जल्दी ही जो सलीम होता है वो अफ्रीका वापस आ जाता है। एंड जैसे ही वो अफ्रीका वापस आता है वो देखता है कि प्रेसिडेंट के न्यू प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है नेम एज रेडिकलाइजेशन, तो जो उसका अपना काम जो सारा था वो तो सारा हट गया है, प्रेसिडेंट ने उसका काम ले लिया जब्त कर लिया सारा, ठीक है। तो जब्त कर लिया उसका सारा काम एंड उसका कोई काम नहीं है, एंड काफ़ी सब चीज़ें उसने सलीम सोचा था मैंने सब कुछ खो दिया है, वो एक मैनेजर और एक शॉफर की ज़िंदगी ही जी रहा था वहाँ पे, तो उसे सोचा था कि मेरे पास एक एक प्रॉपर्टी थी आइवरी की जो मैंने छुपा कर रखी हुई थी, बट वो भी देखता है कि वो भी बिट्रे हो जाता है मैटी से, मैटी ने उसको बिट्रे कर दिया होता है एंड वो भी वो ले जाती है, एंड बाद में एक कमिश्नर जो होता है एंड उसको जेल में बंद कर देते हैं सलीम को। बाद में कमिश्नर जो फर्डिनेंड होता है हमारा वो कमिश्नर बन जाता है, ठीक है। एंड आफ्टर जो भी फर्डिनेंड कहता है यहाँ पर कोई सेफ्टी नहीं है, सलीम को कहता है कोई होप नहीं है, हम सब बहुत डरे हुए हैं यहाँ पे, एंड हर कोई कहीं ना कहीं जा ही जा रहा है, हम सबको डर है कि हम कहीं मर ना जाए, तो वो सलीम को फ्री कर देता है एंड कहता है कि तुम इस कंट्री को छोड़कर चले जाओ। सलीम एक लास्ट स्टीमर लेता है, ठीक है, एक स्टीमर लास्ट बची होती है, और जब तक प्रेसिडेंट ना नहीं आ जाता वहाँ पे वो वहाँ से निकल जाता है। एंड उसी नाइट में क्या होता है उसी शिप पे बैटल हो जाती है, तो जो वो सारे रेबल्स होते हैं वो किडनैप करने लगते हैं, लाइक अटैक स्टार्ट हो जाते हैं, एंड जो ये लास्ट होता है ये बैजर, ये जो हम पूरा देख रहे हैं इसे हम बैच कहते हैं, तो ये सारा बार्ज जो होता है ये
अफ्रीकन के साथ फुल ऑफ भरा होता है एंड ये एकदम से पानी के अंदर डूब जाता है, लाइक पलट जाता है डूब के अंदर, बिकॉज यहाँ पे अटैक हो जाता है।